हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया किया जाए नए कैमरे के साथ में। तो बहुत सारे भाइयों की कंप्लेंट थी, शिकायत थी, नाराज़गी थी कि सुपर मिट्योर 650 की हेडलाइट का फोकस मज़ेदार नहीं है रोड के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी के ऊपर करते हैं कुछ काम, बनाते हैं एक नया वीडियो। और गाइज देखो, नया कैमरे से शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने उतना अच्छे तरीके से इस कैमरे को रीड नहीं कराया, मतलब समझ सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ नहीं है। पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो तो परिवार से माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी फुटेज भी डालें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए होंगे दो टूल्स। अब मैं तो टूल किट नहीं निकालता हूँ गाड़ी वाली, लेकिन आप गाड़ी वाली टूल किट का भी यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में ये सारे टूल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए टूल किट। टूल किट में क्या चाहिए आपको? आपको जो एलन की मिलती है गाड़ी के साथ में, वो चाहिए। उसको यहाँ पर लगाइए और ये दोनों बोल्ट हल्के से लूज़ कर लीजिए। सिर्फ लूज़ करने हैं और कुछ नहीं करना है गाइस। ये देखिए, तो मैं दोनों बोल्ट्स को खाली थोड़ा सा लूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये दोनों बोल्ट्स मैंने लूज़ कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर, जो कि अगेन गाड़ी में मौजूद होता है, लेकिन अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने ये पर्सनलाइज टूल किट ले रखी है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो पहले टूल किट रेडी कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कि क्या करना है। तो गाइज, ये देखिए, आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर जो कि आपकी टूल किट में है। अब पहले मैं एक बार गाड़ी ऑन कर लेता हूँ जिससे कि आपको बेहतर तरीके से दिखा पाऊँ। तो गाइज, अब ये देखिए आप सामने, यहाँ पे सामने फ़िलहाल लाइट का फोकस देखिए, वहाँ पे, वहाँ सामने आप लाइट का फोकस देखिए कि वहाँ पे इस तरीके का लाइट का फोकस आ रहा है। इस तरीके का है लो बीम में, और हाई बीम में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लो बीम का फोकस है, ये हाई बीम का फोकस है। तो ये इस तरीके का फोकस है, यानी कि हेडलाइट का फोकस थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे कर दें तो ये बेहतर हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे साथ आगे। तो यहाँ पे आगे आते हैं, और अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नीचे मैं कहूँगा जूम करके दिखाइए, हेडलाइट के नीचे ये देखिए, ये बल्ब है, ये ये स्क्रू है। दिख रहा है आपको ये स्क्रू यहाँ पे? ये देखिए, ये स्क्रू है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको अब यहाँ पे ये स्क्रू। थोड़ा सा हेडलाइट को उधर कर देता हूँ, लाइट के फोकस। ये देखिए, ये स्क्रू दिख रहा है आपको। अब इस स्क्रू को हम टाइट या लूज़ करेंगे तो ये, इससे फोकस चेंज होगा। तो अब आप पीछे चले जाएंगे और अब यहाँ से आप फोकस को एडजस्ट होते हुए देखिए। फोकस जो है फिलहाल लो बीम पे, ये काफ़ी ऊपर है। तो अब मैं इसको नीचे करने वाला हूँ जिससे कि थोड़ा सा ये रोड सेंट्रिक हो जाए, यानी कि थोड़ा सा रोड पे और बढ़ जाए। ये देखिए, अभी मैं स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ तो ये देखिए, लूज कर रहा हूँ तो ये देखिए फोकस ऊपर हो रहा है। तो मैं इसको नीचे करूँगा। ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं सामने, आपको दिख रहा होगा कि सामने वो लाइन देखिए, वो देखिए लाइन अपने आप नीचे होनी शुरू हो गई होगी। देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए लाइन देखिए, अपने आप देख रहे होंगे आप, अब वो लाइन अपने आप नीचे जाती जा रही है और रोड के ऊपर फोकस देखिए। ये देखिए, अभी आप देखिए तो फोकस अभी यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ रहा था, अभी देखिए फोकस जो है कि देखिए जमीन की तरफ यहाँ आ गया। पहले यहाँ था, अभी यहाँ पे आ गया है।
अब सिमिलरली आपको दिखाता हूँ कि हाई बीम कैसा हो गया है इसका। ये देखिए, अब हाई बीम जो है ये और भी ज़्यादा ब्राइट हो गया है, ये देखिए, और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। अभी हम चाहें तो इस फोकस को और थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। हालांकि अभी ये परफेक्ट एंगल है क्योंकि गाड़ी से इतनी दूर पे एटलीस्ट आपको फोकस मिलना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा फिर भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये लाइन और नीचे होती जा रही है, देखिए रोड पे फोकस बढ़ता चला जा रहा है, देख रहे हैं आप। ये देखिए, अब रोड पे फोकस देखिए कितना फोकस सेंट्रिक हो गया है रोड। ये देखिए और ये देखिए, अब हाई बीम देखिए, ये देखिए। तो अब अगर आप रात के अंधेरे में इसको फोकस करके चलाएंगे गाड़ी को, तो ये बहुत ही अच्छा आपको थ्रो देगी रोड के ऊपर, जो कि आपको रोड पे ही चाहिए होता है। गाड़ी सामने वाली गाड़ी के ऊपर फोकस पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया है, तो हल्का सा इसको ऊपर कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा मज़ेदार रहे। ये देखिए, मैं हल्का सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करूँगा। ये देखिए, बस दिस इज़ द परफेक्ट फोकस। करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली बस ये एलन की टूल आपको इसमें वापस लगाना है, और इस हेडलाइट को जो आपने हल्का सा लूज किया था उसको आप वापस से टाइट कर दीजिए बस। ये मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सेम वही एलन की टूल यूज करा है, और ये देखिए गाड़ी कंप्लीटली एडजस्ट हो गई है। अब एक बार गाड़ी स्टार्ट करके आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, मुझे प्रॉपर करंट तभी आता है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। This is Nitin signing off from 4 Vlogs for the day. Take care. Goodbye.